राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। अभी इसमें आगे के भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां है उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति कर। अजित दादांच्या नेतृत्वाखाली काल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला। मुख्यमंत्री म्हणून काम करतात अशाच वेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यांनी मला कालच महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीचं पत्र त्या ठिकाणी दिलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये संघटनात्मक कामगिरी 14 ते 18 या कालावधीमध्ये सुद्धा मी केली।